बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने ड्यूटी बहाली को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी जितेंद्र चौहान ने बताया कि हम सभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट पिछले 3 महीने से अधिकारियों के यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम लोगों को बिना सूचित किए निकाल दिया गया है। हमारी मांग है कि हम लोगों की नौकरी को फिर से बहाल किया जाए। इस अवसर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ राकेश सिंह, शिवम, राकेश चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जितेंद्र चौहान ने कहा, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है। जितेंद्र चौहान, वार्ड बॉय, बीआरडी मेडिकल कॉलेज से। सर, हम लोग बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोविड अस्पताल में 300 बेड में हम लोग वहाँ ड्यूटी कर रहे थे। कोरोना काल में जब कोई ड्यूटी करने को तैयार नहीं था, तब हम लोग वहाँ फ्रंट पे खड़े थे, जिसे लोग कोरोना योद्धा कहा जाता, फूल बरसाने के लिए। हम लोग अब भूखों मर रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं। डीएम साहब के वहाँ हम लोग आए थे परमिशन लेने के लिए कि शांति से हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करें। अभी हम लोग को परमिशन भी नहीं मिले। हम लोग समझ नहीं पा रहे सर, हम लोग कहाँ जाएँ, क्यों निकाला गया सर? वो बोल दे रहे हैं कि इतने का कॉन्ट्रैक्ट था, अब हमारे पास कोई जगह नहीं है। नौ महीने का ड्यूटी कराए, 6 महीने पहले बार 6 महीना, दूसरे बार 3 महीने। आप लोग को ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले पता था कि कितने दिन रखा जाएगा? नहीं सर, पहले बार तो नहीं पता था, पहले बार हमको नहीं पता था। पिछले बार और दूसरे बार बताया गया था कि आगे यही बढ़ जाएंगे, और हम लोग बेरोजगार हो के इस समय रोड पे घूम रहे। डीएम साहब के वहाँ 3 बार यहाँ भी आ चुके, हम लोग को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि कहीं अस्पताल बनेगा तो हम लोग को वहाँ भेजा जाएगा। सर, हम लोग कब तक रोड पे घूमें, हम लोग को खुद नहीं समझ में आ रहा कहाँ तक घूमें। लोग क्या मांग कर रहे हैं सर? हम लोग को बहाल कर दिया जाए, बस हमारी यही मांग है।